कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक क्या है, आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी जिसे अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, बेरोजगारी किसी भी देश के विकास के प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम में कमी, साथ ही रोजगार के अवसरों में भारी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। इतनी की भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर 5,000 गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म भरने वाले संख्या 20 लाख तक हो जाती है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक चीज जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है वह भारत की जनसंख्या। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि सरकार इतने ज्यादा लोगों को रोजगार कहां से उपलब्ध करवा पाएगी। साथ ही बढ़ती टेक्नोलॉजी, AI टूल जैसी टेक्निक से करोड़ों लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घंटों का काम जो है मिनटों में हो रहा है। फैक्ट्री वगैरह में वर्कर्स की जगह अब मशीनों को स्थापित किया जा रहा है। क्या दोस्तों आपको पता है, पिछले 6 महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 7.8% बढ़ गया है। 2023 में ये रिपोर्ट केंद्रीय ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी की जाती है। साथ ही इनके साथ मिलाकर डाटा कलेक्ट करने वाली संस्था MOSPI और NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एकत्र किया गया था, जिसमें पाया गया कि हरियाणा और राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, 38% के करीब, जिसमें कम करने के लिए दोस्तों सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है। वह देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते जैसी सुविधा देती है, पर देश का युवा काम करना चाहता है, उसे नौकरी चाहिए, भत्ते के नाम पर सरकार की भीख नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।